कोरोना महामारी के दौरान प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हजारों बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने पूरे प्रबंध कर शिक्षा मुहैया करवा रहा है। तो बच्चों को घर द्वार पर मिड डे मील का राशन भी पहुंचाया जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए स्कूल में बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर पौष्टिक आहार का सामान दिया जाता रहा है, जिस पर अभिभावकों ने भी सरकार का आभार जताया है। जानकारी के अनुसार जिला हमीरपुर में पहली से प्राइमरी में शिक्षा ग्रहण कर रहे 14,169 बच्चों को मिड डे मील घर में मुहैया करवाने के लिए काम किया जा रहा है। इसके साथ ही छठी से आठवीं तक 10,089 बच्चों को भी अभिभावकों के माध्यम से राशन पहुंचाया जा रहा है। हमीरपुर में मिड डे मील लॉकडाउन के दौरान भी छात्रों को वितरित किया जा रहा है। हालांकि स्कूलों में मिड डे मील छात्रों को नहीं बल्कि उनके अभिभावकों को बुला कर दिया जा रहा है। मिड डे मील के साथ साथ सरकार द्वारा वर्दी, किताबें, जूते इत्यादि दिए जा रहे हैं। मिड डे मील वर्करों को कोरोना काल में कुछ सैलरी काट कर दी गई है, जिससे मिड डे मील वर्करों में मलाल है। हालांकि शिक्षा विभाग में तैनात मुख्य शिक्षिका दावा कर रहे हैं कि मिड डे मील वर्करों को पूरा वेतन दिया गया है। प्राइमरी स्कूल हमीरपुर के पांचवी कक्षा में पढ़ रहे बच्चे आदित्य राज ने बताया कि स्कूल बंद है और अब ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि मिड डे मील का राशन घर पर मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जो प्रश्न समझ में नहीं आता उन्हें ऑनलाइन भेजा जाता है और बाद में अध्यापक पूरा समझाते हैं। स्कूल बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, ऑनलाइन पढ़ाई हम लोग को बहुत अच्छा मजा अच्छा लग रहा है। सर हमको समझ में नहीं आता, मैम शाम में हमको 5 बजे प्रश्नों को उत्तर लिख के भेजते हैं और हम लोग को याद करना होता है। क्वेश्चन आंसर जो मैम भेजते हैं पेपरों में भी आता है ना, इसलिए सुबह शाम मैम बोलते याद करो बच्चों। सर इसके बारे में तो ठीक है सर, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रहा है, सरकार ने बहुत अच्छा निकाला है नियम। मिड डे मील वर्करों अनीता शर्मा और नीलम ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 3 माह का कुछ वेतन काटा गया है, लेकिन अब वेतन पूरा मिल रहा है। उन्होंने सरकार का आभार भी जताया और कहा कि लॉकडाउन के बाद अब खुले स्कूलों से बच्चों को मिड डे मील का राशन घर पर दिया जा रहा है। हाँ जी, मैं अनीता शर्मा, मिड डे मील वर्कर हूँ। हम स्कूल में प्रॉपर ढंग से मतलब बच्चों को राशन बांट रहे हैं महीना के महीने, और उनके पेरेंट्स आते हैं राशन लेने तो उनको हम फोन के द्वारा सूचित करते हैं। मैडम जैसे लॉकडाउन था तो आपके यहाँ मैक्सिमम प्रवासी बच्चे हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? नहीं, दिक्कत तो आई, काफी दिक्कत आई। उनको फोन करके बुलाना, उनको घर घर कभी घर भी जाना पड़ता उनको बोलने के लिए कि राशन ले जाओ, उनके माता पिता अकेले जाते हैं। मतलब उन्होंने चावल दिए और बाकी जो पैसे बनते महीने के पैसे दिए। तो बच्चों के पेरेंट्स का क्या रिस्पांस रहा जो स्कूल आने के लिए सहमत हो जाते थे, क्योंकि कोरोना बीमारी भी थी? नहीं नहीं, वो तो आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों को मना किया कि बच्चे नहीं आएंगे, पेरेंट्स ही आते हैं। सर जब से लॉकडाउन लगा है तब से हम खाना नहीं बनाते हैं, और फोन करके उनके बच्चों के माँ बाप को बुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, देते हैं इधर से, और पैसे मिलते हैं उनके लिए वो भी देते हैं, और हम काम कर रहे हैं वही रोज रग रोज आ रहे। वही स्कूल में राशन लेने पहुंचे अभिभावकों ने बताया कि लॉकडाउन से लेकर अब तक राशन स्कूल द्वारा मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में स्कूल बंद होने के चलते मिड डे मील नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से स्कूल से राशन लेकर घर पर बच्चों को खिलाया जा रहा है। साथ ही वर्दियां, राशन और जूते भी सरकार के द्वारा दिए गए हैं। चावल लेने आए थे और ड्रेस वो कपड़े मिल रहे हैं, जूते ठंड के कपड़े वो लेने आई हूँ। क्या हर महीने आपको राशन दिया जाता है स्कूल का? हाँ जी हाँ जी, हर महीने मिलता है राशन। क्या कहेंगे, सरकार ने इतना बढ़िया किया, आप बच्चों को पढ़ाई भी करवा रहे हैं, राशन भी दिया रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? राशन भी मिल रहा है, ड्रेस भी मिल रही है, पढ़ाई भी, काम भी, होमवर्क भेज रहे हैं ना, घर पे कर रहे हैं बच्चे काम, और सरकार अच्छा कर रही है। जब घर पे काम भेज रहे हैं, घर पे हर चीज, चावल हर चीज, पैसे भी दे रहे हैं, हर चीज। क्या खाएंगे सर? हम लोगों को अब आज मैम ने फोन किया था तो हम लोगों को वर्दियां मिली और हर एक महीने का राशन मिला, तो बूट मिले और कपिया मिली। कौन सी क्लास में पढ़ती है आपकी बेटी? मेरी बेटी दूसरी में पढ़ती है। हर महीने आपको मिड डे मील का राशन दिया जाता है? हाँ जी सर। क्या कहेंगे, कैसा है ये सरकार का कदम? सरकार से अब
क्या कहेंगे आप, धन्यवाद कहेंगे सर आप लोगों को। अब स्कूल लॉकडाउन लगने के बाद भी राशन मिल रहा है, बच्चों को कपड़े किताबों को सब कुछ मिल रहा है। हमीरपुर बाल प्राइमरी स्कूल की मुख्य शिक्षिका ने बताया कि कोरोना संकट के चलते बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन स्कूल से ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाती है जिसमें बच्चे काफी दिलचस्पी लेते हैं। उन्होंने बताया कि प्राइमरी स्कूल में 150 बच्चे हैं और सभी बच्चे प्रवासी मजदूरों के ही पढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में कोरोना बीमारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग भी करवाई जाती है। यहाँ पर 149 जो मैंने बताए वो सारे प्रवासी मजदूरों के ही हैं और उनके लिए उनके हिसाब से हाँ बहुत अच्छा चला हुआ उनके लिए। पेरेंट्स भी आके हमें बताते हैं, बहुत खुश होते हैं तो हमारे बच्चों का। इसके लिए हमने बच्चों को बोला हुआ है अगर किसी को बहुत ज़रूरत हो, कुछ समझ में ना आए मतलब फ़ोन के माध्यम से, तो वो आ सकता है मैडम से टाइम लेके। स्कूल में हमारा बहुत अच्छा चला हुआ है, टाइम टू टाइम बच्चों को यहाँ बैठकर सारे अपने डिस्टेंसिंग में बैठकर बच्चों को मतलब ऑनलाइन जो हमारा चला हुआ सिस्टम उसके माध्यम से ही हम बच्चों को सारा दे देते हैं मतलब, और उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी मतलब क्वेश्चन और आंसर हो जाते हैं क्लियर। बीच बीच में आ जाती है कि क्योंकि ये त्यौहार आदि जैसे ये आ रहे हैं, इनके लोकल तो ये चले जा रहे हैं, फिर उनको बार बार हम फ़ोन पे बोलते हैं और एक दूसरे के इनके रिश्तेदार होते हैं उनके माध्यम से कॉन्टेक्ट किया जाता है। वहीं इस बारे में शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक बीके नड्डा ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान खोले गए स्कूलों में पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है और इसके साथ ही जिला हमीरपुर में पहले से प्राइमरी में शिक्षा ग्रहण कर रहे 14,169 बच्चों को मिड डे मील घर में मुहैया करवाने के लिए काम किया जा रहा है। इसके साथ ही छठी से आठवीं तक 10,089 बच्चों को भी अभिभावकों के माध्यम से राशन पहुंचाया जा रहा है। जिला हमीरपुर में प्राइमरी सेक्शंस में पहली से पांचवी तक जो है वो हमारे पास 14,169 बच्चे जो हैं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनको कोरोना काल में पहले तो घर घर जाकर के भोजन की ये जो है मिड डे मील है उसके चावल जो हैं आवंटित किए गए, परंतु जब से टीचर स्कूल में आना शुरू हुए हैं उसके पश्चात जो है अभिभावकों को ग्रुप में बुला करके ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने जो है इसका कोरोना का जो नॉर्म्स हैं उनका ध्यान रखते हुए जो है सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, उसको जो है ध्यान में रखते हुए स्कूल आना है और वहाँ इनको जो है बच्चों के चावल का जो राशन है वो दिया जाता है। साथ में जो कुकिंग कॉस्ट है वो जहाँ पर अकाउंट नहीं है बच्चों के वहाँ पेरेंट्स को नगद दिया जाता है और APR उसकी बनाई जाती है। साथ में जहाँ अकाउंट हैं वहाँ अकाउंट में वो पैसा डाल दिया जा रहा है। और जो छठी से आठवीं तक हैं हमारे पास जो है 10,099 बच्चे हैं जिनको जो है भोजन जो है मिड डे मील दिया जाता है। इसमें वही व्यवस्था जो प्राइमरी के लिए की गई है उसी प्रकार से जो है पेरेंट्स के माध्यम से ये राशन दिया जा रहा है।